इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको आपके पीसी के अंदर ये वाला एरर दिखाई देता है, देयर इज नॉट इन स्पेस ऑफ लोकल डिस्क, यू नीड एडिशनल और कॉपी फाइल्स वगैरह वगैरह साइट वगैरह यहाँ पर दिखाता है। ट्राई अगेन और कुछ नहीं, ट्राई अगेन होने के बाद भी कुछ सोल्यूशन नहीं है इसका। मैं दोबारा पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, तो वही एरर आ रहा है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एरर है क्या। देखिए यहाँ पर जो हम फाइल डाल रहे हैं उसका एक्चुअल साइज़ 32 GB है, जिसके अंदर से हमारी यहाँ पर स्पेस जो फ्री है वो है 7.67, यानी कि 7.5 GB आप मान सकते हैं। तो उसके अंदर अगर हम 32 GB से उसको भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा साइज निकल कर आता है 23.8 GB, यानी कि इतनी जगह हमें स्पेस चाहिए अपनी स्टोरेज के अंदर जिस भी लोकल डिस्क में हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इतना डेटा नहीं है हमारे पास तो इसको कॉपी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डेटा ही नहीं होगा डिस्क के अंदर तो वो कॉपी नहीं कर पाएगी। छोटी फाइल अगर इससे होगी, जैसे आपकी 7 GB है, 7.67, इससे अगर 1 MB भी खाली होगी तो वो पेस्ट हो जाएगी, और इससे ज़्यादा होगी तो वो पेस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्टोरेज नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आप 32 GB 31 GB की स्टोरेज को सेंड कर रहे हैं तो कम से कम इतनी आपकी खाली होनी चाहिए, इससे 100-200 MB ज़्यादा। अगर इससे कम होगी तो ये एडिशनल पर इसी तरीके का एरर आपको दिखाता रहेगा बार बार। तो ये होता है इसका आने का कारण, और मैंने इसका सोल्यूशन आपको बता दिया कि आपको जितनी भी आप डेटा डाल रहे हैं उससे कम से कम 100 MB आपका फालतू होना चाहिए उस लोकल डिस्क में जिसमें आप डाल रहे हैं। अगर 1 GB का है तो आपको 100 MB उसमें खाली रखना पड़ेगा, या ना कि 900 MB आपको रखना पड़ेगा। अगर 900 MB होगा तो 100 MB पर आपको ये एरर दिखा देगा। तो ये सोल्यूशन है इसका। अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।